नेक्स्ट आपकी डिजीज है स्टेम रॉट या फुट रॉट। फुट रॉट है, इसी को स्टेम रॉट कॉलर रॉट कहते हैं। ये किससे होता है? ये फंजाई है, वो कहती वायरस था, ये है आपकी फंजाई पाइथियम अफेनी डर्मेटम। इसमें क्या होता है, जो तना जमीन के नजदीक होता है वहां पर वाटर सोक्ड लीजियन बनने शुरू होते हैं, उसके बाद टिश्यू में सॉफ्टनिंग शुरू हो जाती है और ये जो लीजन्स बनते हैं बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं तेजी से, और जो आपका स्टेम है स्टेम के चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं और पूरा घेरा बना के जो इसके अंदर के सारे टिश्यू सड़ने लगते हैं और बाद में ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। मतलब पहले एक छोटे लीजन के रूप में ये निकलेगा, उभरेगा, वाटर सोक लीजियन के रूप में उभरेगा, फिर वो टिश्यू की सॉफ्टनिंग शुरू होगी और ये स्टेम के चारों तरफ ये गर्डल बना लेगा, गर्डल बनाएगा, गर्डल द स्टेम, स्टेम के चारों तरफ ये घेरा बनाता जाएगा, तेजी से बढ़ेंगे ये पैचेस और वहां के टिश्यू को रॉट करना शुरू कर देगा। और जब रॉटिंग कोई चीज सड़ती है तो क्या होता है, वो ब्राउन और ब्लैक कलर की होने लगती है। ठीक है, अगर रॉटिंग आगे बढ़ती है तो रॉटिंग जो है रूट को भी नष्ट करने लगती है, जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो बौना रह जाता है। फ्रूट बनते हैं तो वो सिकुड़े हुए होते हैं और लटक जाते हैं, रूट नष्ट हो जाती है और डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती है, एक ही बात है, नष्ट हो जाती है, सड़ के नष्ट हो जाती है। ये आप देखिए, ये आपका पपीते का ये है, इसकी वजह से जब पाइथियम, ये यहाँ पे विल्टिंग के सिम्टम भी दिखने लगते हैं। यहाँ पर आप स्टेम में देख रहे हैं, तने में मैं बता रही थी नीचे की तरफ वाटर सोक्ड बनते हैं जो बढ़ के इसको पूरे घेरे को बना लेते हैं। ये देखिए, ये इसके सिम्टम है, जो ब्राउन पे डार्क ब्राउन ये सड़ने लगता है, ब्राउन ब्लैक होने लगता है। डिजीज साइकिल पर आए, क्या है प्राइमरी इनोकुला ऊस्पोर, पाइथियम ओमाइसिटीज का है। आपको मैं बार बार बताती हूँ, ये जिस फाइलम से बिलोंग करता है उसके सेक्सुअल स्पोर का नाम उसी पर आधारित होता है। ये ओमाइसिटीज का है, इसलिए ये ओस्पोर अपना हार्ड सेक्सुअल स्पोर ओस्पोर बनाता है जो एक सीजन से दूसरे सीजन में सर्वाइवल का काम करता है। मतलब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तब ये ओस्पोर बनाने लगता है और उस सीजन में पड़ा रहता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये सॉइल में पड़ा रहता है या प्लांट डेब्रिस में पड़ा रहता है। जब नेक्स्ट सीजन आता है, जब आप उसका पपीते का दूसरा सीजन आएगा, तब ये उसको जर्मिनेट करेगा, मतलब ये फिर प्राइमरी इनोकुलम का काम करेगा और जर्मिनेट करके पपीते पर इन्फेक्शन कॉज करेगा। और जब इन्फेक्शन कॉज करेगा तो इससे बनेंगे आपके स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया बनेंगे और स्पोरेंजिया के अंदर ही होते हैं जूस्पोर। स्पोरेंजिया एक कंटेनर की भांति काम करता है, यानी कि एक डब्बे की भांति काम करता है जिसके अंदर जूस्पोर्स भरे होते हैं, जिसमें दो फ्लैजिला, दो कशाबिकाएं होती हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन ऊस्पोर के द्वारा हुआ, सेकेंडरी इन्फेक्शन स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाने वाले जूस्पोर के द्वारा होता है। कंडीशन क्या चाहिए, कोई भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के लिए, ये आप लोग एकदम याद कर लो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। जब तक मॉइस्चर का अमाउंट नहीं होगा ये फंगल स्पोर्स या बैक्टीरियल स्पोर्स सर्वाइव नहीं करेंगे। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और बारिश ज्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 30 डिग्री। अगर आपने जमीन में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और खाद ज्यादा डाल दी है, एक्सेसिव अत्यधिक डाल दी है, ज्यादा जो प्रॉपर चाहिए उससे ज्यादा डाल दी है, तो भी इस डिजीज के लिए ये अनुकूल परिस्थिति हो जाती है। ओमाइसिटीज में सिनोसिटिक माइसिलियम होता है, वेल डेवलप होता है, इसका स्पोरेंजिया खंडों में विभक्त होता है और जब स्पोरेंजिया जर्मिनेट करता है तो वेसिकल बनती है। जब इसका स्पोरेंजिया इस तरह से होता है, जब इसमें अंदर ये इस तरह से डिवाइड होता है, इसका सारा प्रोटोप्लाज्म
जब ये जू स्पोर एंजिया जर्मिनेट करता है तो इसकी टॉप पर इस तरह से वेसिकल बनती है, और यहां पर जो प्रेजेंट जू स्पोर्स होते हैं इस तरह से होते हैं, वो इसमें आकर जर्मिनेट करते हैं, इसमें आ जाते हैं और ये फट जाता है। अब इसके बाद इसमें आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। इसमें सेवरल, सबसे पहले जो आपको मैं जो इम्पोर्टेंट चीज क्या बता रही थी, नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर ज्यादा लगे होना, तो फर्टिलाइजर्स कम, ठीक कम मात्रा में लगाएं, सही मात्रा में लगाएं। पुअरली ड्रेन्ड जो मॉइस्चर है वो वहां पे रुकने वाला ना हो, आपकी जो जमीन है सॉइल है उसमें निकासी प्रॉपर हो, ठीक है। ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रखता है तो एक्सेसिव अमाउंट में मॉइस्चर वहां पर ना हो, बनने भी ना दो, ड्रेनेज को प्रॉपर रखो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, सनलाइट अच्छे से आती हो वहां पर, ठीक है, जिससे कि डिजीज वहां पर इकट्ठी ना हो। सीड ट्रीटमेंट कैप्टन से, सॉइल की ड्रेंचिंग कर दो कैलिक्सिन से, और या ड्रेंच एट द बेस ऑफ स्टेम विथ बोडेक्स मिक्सचर। हो गया।